पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, OWS जिसको बोलते हैं, और इस जिस बुक में से हम ये सभी वर्ड देखेंगे वो है लुसेंट की बुक। इससे आप सभी अवगत होंगे, और इससे पिछले वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं चाहें तो आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले शुरू करता हूं मैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक लंबा सा सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसको एक सिंगल वर्ड के साथ रिप्लेस करना होता है। दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। अब हम बढ़ते हैं, पहला जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम इस पर फोकस करेंगे। देखिए, एक होता है वर्ड दिवालिया। कहते हैं ना कि हमारा दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गया। देखिए, इंसान के कहने से कुछ नहीं होता कि दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जब तक उसे कोई बैंक ये सर्टिफाइड ना कर दे कि वो वास्तव में दिवालिया हो चुका है। देखिए, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। देखिए, इस केस में क्या होता है कि अगर इन केस आपने बैंक से कोई लोन लिया, आपने कार लोन लिया, होम लोन लिया अपनी सैलरी के बेस पर, और आप उसे चुकाने में असमर्थ हैं, ठीक है ना, असमर्थ मतलब कि आप उसे नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक आपको दिवालिया घोषित करेगा, एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा जो ये प्रूफ करेगा कि हाँ, आप रियल में कंगले हो चुके हैं, आप रियल में काफी पुअर हो चुके हैं, आप नहीं है सक्षम उस कर्जे को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। अब देखिए, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और इसको बोलते हैं शरीर शास्त्र, मतलब फिजियोलॉजी। देखिए, जो पहला जो वर्ड है ये एक्चुअली काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी बेसिक वर्ड है। दिवालिया हम सबको हिंदी में पता होता है, लेकिन अगर इंग्लिश का वर्ड के बारे में बात करी है तो हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये वर्ड बड़े ध्यान से आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, द साइंस ऑफ द फोर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, मतलब कि आने वाले भविष्य को स्टार के माध्यम से पता लगाना, ठीक है। तो ऐसे जो विज्ञान होता है उस विज्ञान को बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्ट्रोलॉजी। और बाकी के ये पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे तो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट नहीं करा। आप चाहें तो याद कर सकते हैं इन सब को, क्योंकि ये बुक में जो भी पॉइंट दिए गए हैं ये ऑलरेडी ही बहुत 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 गोल्डन पॉइंट हैं। ये आपके SSC CGL तक के एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं ये सभी। अगर आप केवल ग्रेड डी या ग्रेड सी का एग्जाम देते हैं तो वहां पे आप केवल हाईलाइट जो मैंने अभी करे हैं उतना आपको कम से कम करके जाना ही जाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, मतलब ऐसी चीज जिसे हम हिला ना सकें, ठीक है, बिल्कुल निश्चल हो, इसको बोलते हैं इमोबाइल। मोबाइल का अर्थ क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है यहाँ से वहाँ के, उसको हम मूव कर सकते हैं। मोबाइल जो आप यूज करते हैं अपने हाथ में, अभी जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, हम करते क्या है, मोबाइल क्या है, एक तरह से स्थिर नहीं है, आप इसको जहाँ चाहें वहाँ जाके टहला सकते हैं अपने साथ में। तो मोबाइल का मतलब ये हो गया, IM इसके आगे अगर लग गया तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, राइट। देखिए, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट का बोलते हैं कीट पतंगे, ठीक है, कीट पतंगों का जिसमें स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उस शास्त्र को बोलते हैं हम लोग कीट शास्त्र, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, एनीटोमोलॉजी कुछ भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। बस अब स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि कभी कभी करेक्ट है स्पेलिंग हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस पूछता है, तो वहां पे हमको इन सब की स्पेलिंग भी याद करनी है। आगे बात करते हैं विश टू डू गुड टू अदर्स, मतलब जो दूसरे की अच्छाइयों के बारे में भगवान से विश करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं परोपकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस या बेनीवोलेंस, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा शब्द जिसको समझना काफी मुश्किल हो, जिसके अर्थ को समझना काफी मुश्किल हो। अगर एक फ्रेंच व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए, या कोई तमिल तेलुगु कन्नड़ व्यक्ति बोलने वाला आपके सामने कुछ बोल के आपको चले जाए, तो वो लैंग्वेज, वो सेंटेंस जो उसके द्वारा मुंह से बोला हुआ होगा, क्या होगा आपके लिए, वो होगा आपके लिए क्या, एब्स्ट्रूज,
एब्स्ट्रूज मतलब दुर्बोध, दुर्बोध का मतलब जिसका बोध ही ना हो सके। देखिए आगे बात करते हैं, देखिए टच और स्ट्रोक लविंगली मतलब कि प्यार भरा जो टच होता है, स्पर्श होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुलारना, इसको बोलते हैं फोंडल। एंड दैट विच इज पिग लाइक जो मतलब कि सूअर के समान दिखाई दे उसको बोलते हैं पोरसाइन। एंड दैट विच इज लॉयन लाइक LION लॉयन के समान दिखने वाला इंसान होता है आपका लियोनाइन, लोइनाइन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ना आपसे स्पेलिंग पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमको लगता है कि लॉयनाइन हो सकता है LIO, लेकिन वास्तव में लियोनाइन। अब देखिए दैट विच कैन नॉट ए डॉग लाइक कुत्ते के समान दिखने वाला इंसान क्या होता है, वो होता है आपका केनाइन। अब देखिए दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल मतलब जिसे नहीं छुआ जा सके, स्पर्शीय, वो होता है इनटेंजिबल। एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं, जैसे आप मोबाइल को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए इसके सॉफ्टवेयर की, मोबाइल में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे आपका यूट्यूब का आप आइकन टच कर सकते हैं, बट उसके इनबिल्ट जो इसका सॉफ्टवेयर है उसे आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका इनटेंजिबल, दैट विच कैन बी रूटेड आउट। अगला जो वर्ड है वो है हमारे सामने दैट विच कैन बी रूटेड आउट, इसको बोलते हैं इरेडी केबल, उन्मूलनीय। स्टडी ऑफ द डेवलप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म मतलब कि ऐसा स्टडी करना प्लांट की एनिमल की जिसका कंपेयर पिछली पीढ़ी के साथ में करा जाए, ठीक है। जैसे कि अभी जैसे कि हम मानव हैं, हम दो पैर पे चलते हैं, एक टाइम के अगर हम स्टडी करते हैं प्राचीन में तो हम लोगों के पास चार पैर थे, हमने प्रोग्रेस करी। तो इस टाइप से जो डिपार्टमेंट अध्ययन करता है उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी, यार राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, स्टडी ऑफ लॉ नोमोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स एंड बुड टॉन्स, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक कड़ी डिसलाइक की भावना किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एंटीपैथी, ठीक है। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। एंड स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर मतलब किसी दूसरे की राइटिंग को, किसी दूसरे के लेख को चोरी करना, स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी करना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी, मतलब प्लेगियरिज्म। ऐसे ही पढ़ा करो अभी थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोग होते हैं इस वीडियो को साउथ के कुछ लोग सुनते हैं, तो उनके लिए कभी कभी ऐसे ऐसे वर्डों का मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो किसी चीज से सेटिस्फाइड ना हो उसको बोलते हैं इनसेटिएबल, इनसेटिएबल मतलब अतृप्त। दैट विच कैन बी इरेस्ड और रिमूव्ड, इनडेलिबल, इनडेलिबल इसको बोलते हैं अमिट, जिसको नहीं मिटाया जा सके। आगे बात करते हैं द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, रिफॉरिज्म, ठीक है, रिफॉर्मिज्म सुधारवाद। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स मतलब एक ऐसा मंदिर जहाँ पे सभी प्रकार के भगवान विराजमान हो, तो उसको बोलते हैं पैंथियोन मतलब सर्वेश्वर मंदिर। एंड द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनॉन ऑफ लैक, ठीक है, लेक्स, इसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी मतलब सरोवर विज्ञान। नेक्स्ट समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, हार्बिंजर मतलब पथ प्रदर्शक। एंड ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ कॉस्मेटिक्स ETC मतलब एक ऐसी छोटी सी दुकान जहां पे फैशनेबल का सभी सामान मिलता हो उसको बोलते हैं बुटीक। देखिए सीरियस क्राइम लाइक मर्डर एंड एडसॉन मतलब एक काफी सीरियस क्राइम जो होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिलोनी, फिलोनी मतलब महा अपराध। नेक्स्ट अगला जो शब्द है वो है हमारे सामने सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे पहुंचना काफी मुश्किल हो, काफी जटिल हो, तो ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं, ऐसे स्थान को हम बोलते हैं गुप्त स्थान। जी हाँ, जैसे कि आप लोग कभी लॉकर वगैरह यूज करते हैं, घर की तिजोरी इसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो एक्चुअली होता है रिसेस, ठीक है।
याद रखना, सर्च इन द डार्क, अंधेरे में किसी चीज को सर्च करना क्या कहलाता है, हम कहते हैं टटोलना। देखिए, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं और उसका सेम हिंदी में अगर मैं आपको एक समान अर्थी शब्द दे दूं तो आप बड़ी आसानी से उसको सर्च कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट याद रखना है और उसके बाद में उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। देखिए, सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, तो इसको बोलते हैं द्वीप समूह। आर्चिपेलागो, ए शॉर्ट, हाँ, ए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, एक पेपर और चेक के पीछे किए गए साइन को हम बोलते हैं हस्ताक्षर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोर्समेंट। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक, किसी बुक का छोटा सा सारांश, उसको बोलते हैं एपिटोम। नेक्स्ट, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, मतलब एक खुशी के लिए छोटी सी की गई यात्रा बोलते हैं क्या सैर सपाटा, इसको बोलते हैं एक्सकर्जन। एंड साइंस ऑफ वेट, दिस इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान। साइंस ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड होरोलॉजी, समय विज्ञान। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज, जी हाँ, इसको बोलते हैं कारक या कारण विज्ञान। देखिए, इसको ईटोलॉजी पढ़ सकते हैं, इसको AETIO, एटियोलॉजी, दोनों में से कुछ भी आपके एग्जाम में यूज कर सकता है, तो आपको प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं साइंस ऑफ द ह्यूमन ब्यूटी, इसको बोलते हैं कैरोलॉजी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंड साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी, काल क्रम विज्ञान को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एंड सौंदर्य विज्ञान को बोलते हैं क्या, कैलोलॉजी। साइंस ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। साइंस ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। एंड साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म, दिस इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, शब्दावली विज्ञान। अब देखिए, स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, किंडरगार्डन। एंड से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, दिस इज कॉल्ड फोरकास्ट, मतलब किसी भी चीज की भविष्यवाणी करना, ठीक है, इसको बोलते हैं फोरकास्ट, प्रिडिक्ट एंड फोरटेल। नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक, दिस इज कॉल्ड लैगून। रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल, अनस्टील बोलते हैं उसको। एंड जिसे रसोई के बर्तन मांजने की जगह बोलते हैं को अगर इंग्लिश में बात करी जाएंगे तो उसको बोलते हैं हौदी, हौदी वगैरह, स्कलरी। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान शरीर का वो कहलाता है धार्मिक स्नान। एब्लूशंस एंड रिटर्न्स टू वन साउंड कंट्री, अपने देश में वापस लौटना, उसको बोलते हैं रिपेट्रिएट। एंड रिजर्व इन स्पीच, रेटिकेंट, रेटिसेंट बोल सकते हैं इसको। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। नेक्स्ट इज पुट इनटू द फॉर्म ऑफ कॉड, कॉडिफाई। पुल आउट ऑफ यूजल शेप, डिस्टॉर्ट। एंड प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, अपनी इच्छा से किसी की प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देना, उसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति, लीजेसी। एंड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, दिस इज कॉल्ड सरकमवेंट, लागू न होने देना। मैरिज ऑफ गॉड, थियोमैमी या थियोगैमी। एंड लवर्स ऑफ डॉग्स, कैनो प्लीज। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीसिया। नेक्स्ट वर्ड इज हेटर ऑफ बुक्स, माइसो बाइब्लिक। एंड हेटर्स ऑफ लर्निंग, दिस इज कॉल्ड माइसोलॉजिस्ट। हेटर्स ऑफ मैरिज, माइसोगैमिस्ट। एंड गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, ओमनी बस। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वर्ड, प्लीज लर्न एंड पेन डाउन। एंड टाइम टू टाइम रिविजन दिस ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड, इन सभी टाइप जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट करा है, प्लीज इसका रिविजन आप जरूर करना। नेक्स्ट, OWS विल बी रिटर्न टू वंस ऑन कंट्री, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। एंड या रिजर्व इन स्पीच, रेटिसेंट। एंड रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट, ये कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है। एंड वन हु अटैक्स एस्लेटर्स एंड एसेलेंट, गिव टिट फॉर टैट, हम बोलते हैं टिट फॉर टैट करूंगा तेरे साथ में, तो उसको बोलते हैं रिटेलिएट। एंड
फियर ऑफ वन सेल्फ। देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑटो का मतलब होता है अपने आप। हम कहते हैं हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक ऑटो रिबूट हो रहा है, तो ऑटो का मतलब स्वयं से, फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से डरने वाले को बोलते हैं ऑटोफोबी। देखिए फोबी का मतलब होता है वास्तव में फियर, जहाँ पे आपको फोबी लग जाए मतलब कि नेगेटिव सेंस वहाँ पे दे रहा है, फियर मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस हमको जो देता है तो उसको बोलते हैं ऑटोफोबी। फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी से डरने वाला इंसान को बोलते हैं नेक्रोफोबिया। एंड फियर ऑफ एनिमल, इसको बोलते हैं जू फोबिया। देखिए एनिमल कहाँ मिलता है, एनिमल आपको मिलता है चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर को बोलते हैं इंग्लिश में जू। जू फोबिया मतलब कि फियर ऑफ एनिमल, जानवरों से भय डर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद।